झांसी में संचालित प्रधानमंत्री कौशल विकास प्रशिक्षण केंद्र संचालक परी की युवती ने गंभीर आरोप लगाते हुए कार्रवाई की मांग की है। युवती का आरोप है कि उसके साथ सेंटर संचालक व अन्य ने छेड़छाड़ की थी, लेकिन पुलिस ने मामले को हल्की धाराओं में दर्ज किया है। झांसी एसएसपी व डीएम कार्यालय पहुंचकर वाराणसी की रहने वाली युवती ने आज वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को एक ज्ञापन देते हुए आरोप लगाया कि वो प्रशिक्षण केंद्र बचावली झांसी में ट्रेनर के रूप में काम कर रही थी, लेकिन वहां सलमान व आसिफ नाम के सहकर्मी उस पर बुरी नीयत रखते थे। पहले कई बार उन्होंने लड़की को प्रपोज किया और फिर बाद में उसके साथ बुरी नीयत से पकड़कर छेड़खानी की। युवती ने बताया कि सलमान व अन्य की शिकायत उसके द्वारा सेंटर हेड राहुल चतुर्वेदी से की गई थी, जिसके बाद राहुल ने 1 अप्रैल को उसे झांसी के ग्वालियर रोड स्थित सेंटर में बुला लिया। इसके बाद वही हरकतें सेंटर संचालक राहुल भी युवती के साथ करने लगा। युवती का आरोप है कि 7 अप्रैल को उसके साथ राहुल ने छेड़खानी करते हुए उसे पकड़ लिया। इस बात का विरोध करने पर और पुलिस से शिकायत की बात से डर कर राहुल ने उसे छोड़ दिया, लेकिन 1 सप्ताह के बाद संचालक ने युवती को सेंटर से 18 दिन की छुट्टी पर भेज दिया और फिर फोन करके वापस आने को मना कर दिया। युवती ने शिकायत पत्र में यह भी बताया कि जब उसे किसी से ये पता चला कि उसके नाम का सेंटर संचालक अभी भी गलत उपयोग कर रहा है, तो उसने 10 जुलाई को झांसी स्थित प्रशिक्षण केंद्र पहुंचकर अपना नाम हटाने और बाकी सैलरी की मांग की, लेकिन राहुल चतुर्वेदी उल्टा उसे डांटने लगा। युवती का आरोप है कि राहुल ने उससे कहा था कि यदि तुम मेरे साथ लिविंग में रहो या फिर 1 रात मेरे साथ गुजारो तो वो उसे डबल सैलरी देगा और उसे काम भी नहीं करना पड़ेगा। राहुल की बात सुनकर युवती को काफी गुस्सा आया, जिसके बाद उसने पुलिस व पत्रकारों को सूचना दे दी। इसके बाद सिपरी पुलिस ने आरोपी राहुल को पकड़कर थाने में बंद किया और उस पर 504 व 506 की धाराओं में मामला दर्ज कर दिया, लेकिन युवती का आरोप है कि पुलिस ने उसके साथ हुई छेड़खानी का मामला दर्ज नहीं किया है और वो चाहती है कि सेंटर संचालक पर कठोर कार्रवाई की जाए। इसके अलावा युवती ने सेंटर संचालक व उसके साथियों पर केंद्र में कई भ्रष्टाचारी और धांधली के आरोप लगाए। युवती का कहना है कि यदि केंद्र में लगे सीसीटीवी कैमरे को देखा जाए तो अनियमितता स्पष्ट हो जाएगी। युवती ने जिलाधिकारी व एसएसपी से कार्रवाई की मांग करते हुए कहा कि आरोपी युवती को भी प्रताड़ित करता है। हमारे साथ बदतमीजी हुई थी, हम बनारस से यहाँ पे आए थे जॉब के लिए, हालांकि मैं को यहाँ पे ज्वाइनिंग की थी, फिर उसके बाद ये हमारे साथ कुछ दिन ठीक ठाक चला, फिर उसके बाद सलमान ने हमारे साथ बदतमीजी करने की कोशिश की और ये जब मैंने सूचना संचालक को दी, संचालक राहुल चतुर्वेदी को, तो उन्होंने रफा दफा करके सारी केसेस को उन्होंने बोला कि आ जाओ मेरा ट्रांसफ़र कर दिया सेकेंड बचाओ झांसी वाले सेंटर पर। फिर उसके बाद उन्होंने बोला कि आप हमारे साथ काम करो, वहाँ पे जो हुआ सो हुआ, आप हमारे साथ काम करो और जैसे वहाँ पे था आप मेरे साथ रहो, फिर उसके बाद मैं आपको दुगनी सैलरी दूंगा, किसी को बताऊंगा भी नहीं और काम भी आपको होता रहेगा। किस जगह आप आए? किस विभाग का मामला है ये? ये झांसी का मामला है। विभाग कौन सा है? विभाग ये झांसी ग्वालियर रोड के सामने के। DDUGKY के वाई दीनदयाल ग्रामीण कौशल योजना के विभाग से है और मैं वहाँ पे ट्रेनर के पद पे थी। किस पद पे थे वो जो जिनके आप आरोप लगा रहे हैं? वो प्रोजेक्ट हेड के पद पे थे। क्या नाम है? राहुल चतुर्वेदी। क्या बदतमीजी करी उन्होंने, क्या कहा आपको? उन्होंने जब मेरा ट्रांसफर कर दिया तो उन्होंने मेरे को ऑफर दिया, मेरे को ग्लास, जब सारे सेंटर की छुट्टी हो गई तो मेरे को शाम को सेंटर से मेरे को ग्लास में पानी मंगवाए और मेरा हाथ पकड़ा, मेरे को इधर उधर छुआ, फिर जब मैंने इस चीज़ को इग्नोर किया तो उन्होंने बोला कि अगर तुम काम नहीं करोगी और मेरे साथ ऐसे ही रहना पड़ेगा, अगर तुम मेरे साथ ऐसे नहीं रहोगे मैं तुम्हें धमकी दे रहा हूँ और मैं यहाँ से निकाल दूंगा तुम्हें। आप संबंधित थाने में गई थी? हाँ मैं थाने में गए थे, सिपरी थाने में मैं गई थी, वहाँ पे मेरी सुनवाई नहीं हुई और फिर उसके बाद केस को नॉर्मल लेके उसको दबा दिया गया, नॉर्मल धाराएं लगी। आप क्या चाहती हैं? मैं ये चाहती हूँ कि उसको वहाँ से उस पद से हटाया जाए, रस्टिकेट किया जाए, उसको जेल भेजा जाए और सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। आपके अलावा और भी कितनी लड़कियाँ वहाँ पर करती हैं? मेरे अलावा वहाँ पे और सारी लड़कियाँ करती हैं, हालांकि स्टाफ भी वहाँ पे करती हैं और उसने आने वाला जो बीता हुआ समय था उसने बहुत सारी लड़कियों के साथ बदतमीजी कर रखी है। तो आज आप कहाँ पर हैं? आज मैं झांसी आई हूँ, झांसी में SDM ऑफिस आई हूँ। तो
क्या आप मिली उनसे क्या? हाँ, मैंने उनसे मिला तो उन्होंने बोला कि एसपी सिटी आपको 2 दिन में प्रोवाइड किया जाएगा और जांच वाँच होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, झांसी। जीवन के सपनों को करे साकार, बेहतर शिक्षा ही है तरक्की का आधार। शिक्षा के साथ देश को बढ़ाए उन्नति के मार्ग पर, यही है हमारे संस्कार। श्री रावतपुरा सरकार ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन आरी, उन्नाव बालाजी मार्ग, झांसी। एम फार्मा, बी फार्मा, डी फार्मा, नर्सिंग, बीएड, डीएलएड, बीए, आईटीआई के साथ कई प्रोफेशनल एजुकेशन के लिए आज ही एडमिशन ले। भोजला मंडी के पास, उन्नाव बालाजी मार्ग, ग्राम आरी, झांसी। शिक्षा, संस्कार, समर्पण। हमारा संपर्क नंबर है 70 68 28 0627।